પલસાણા તાલુકાના અંતરોલી ગામના રામનગરની શ્રી રેસિડેન્સીમાં રહેતા યુવકે ઘરમાં એકલતાનો લાભ લઈ જીમમાં કસરત કરવા માટે વપરાતી રબરની 20 બેન્ડ વડે ગળે ફાંસો ખાઈ જીવનલીલા સંકેલી લીધી હતી। મૂળ રાજસ્થાનના જાલોર જિલ્લાના સાયલા તાલુકાના રાજનગર ઉડલી ગામના વતની અને હાલમાં અંતરોલીમાં રહેતા નરપત બાબુલાલ શાહુએ ઘરમાં પંખા સાથે રબરની દોરીથી ગળે ફાંસો ખાઈ આપઘાત કરી લીધો હતો। श्रीराम शाश्वत है मेरा नाम। कौन सा विस्तार है ये? अंतरौली गांव रामनगर श्री रेजिडेंसी है। इसमें रात को अपने हमारे ऊपर ही रहता है 302 मिली है। वो रात में बच्चे ने कोई फांसी खा ली थी और सुबह में हमें पता चला, उसकी मम्मी को जब ओए हल्ला हुआ तो हमने बिल्डिंग वालों से मिल कटा होके और पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया और पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, अभी जारी है और आगे जो भी पुलिस में आएगा। किसी के साथ इसका आपसी विवाद तो नहीं? फिलहाल बिल्डिंग में तो किसी को ऐसा आइडिया नहीं है और ना भी ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा कोई किस्सा, वो सब अपने काम से सुबह जाता था शाम को आता था और लगभग सीधा परिवार है हमें तो कोई ऐसा। काम करता था वो लड़का? वो उसके कार्टून पैकिंग की दुकान है, खुद की पापा की दुकान है, उसमें वो पूरी दुकान संभालता है पैकिंग मटेरियल। अभी उसके घर में कौन कौन से? उसके घर में फिलहाल रात को तो उसकी मम्मी और वो दो ही थे। उसके फादर है, वो कल शाम को कोई उसकी बहन है उसको छोड़ने के लिए बेंगलोर गए थे, रात को ही गए थे, लगभग 9:30 बजे की ट्रेन थी, वो यहाँ से सूरत से गए हैं। और रात में लगभग ये कितना बजे का हादसा है ये अप्रोक्सली? हमें तो सुबह पता चला, हादसा कितने बजे हुआ ये कन्फर्मेशन अपने को अभी तक है।